नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहती हूँ, जो लोग सो रहे हैं ना कि ये देखकर कि प्रीलिम्स की परीक्षा तो ये बड़ा समय है, मैम अभी खेलने कूदने दीजिए, अरे उठ जाइए, पढ़िए। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसान नहीं है परीक्षा। लाखों बच्चे बैठते हैं और लाखों बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिएगा अगर परीक्षा टल गई है। पढ़ाई अपनी मत छोड़िए, ठीक है? जो मॉक टेस्ट रोज दिया जा रहा है आपको, उसको सॉल्व करिए। किसी भी तरीके का डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया रहता है, उसमें आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास, इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहां पर कॉन्टेक्ट करिए। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, या फिर मंदसौर अभिलेख में। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कमेंट बॉक्स में कि मैम प्रश्न को पढ़ने के बाद थोड़ा सा समय दिया करिए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो क्लास थोड़ा समय लीजिए और प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मंदसौर अभिलेख, डी आपका सही उत्तर है। अगर हम मंदसौर अभिलेख की बात करें तो अब मंदसौर अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, याद रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं, देखिए मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, इनका नाम याद रखिएगा। मंदसौर से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो प्रमुख रूप से लाठ गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, दशपुर के नाम से किसे जाना जाता था? मंदसौर को जाना जाता था, ठीक है। अब यहां पर कुछ और अन्य अभिलेख हैं। तो सबसे पहला जो अभिलेख आपको दिया गया है, रिवाइज करिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड है। दूसरा रिवाइज करिए, जूनागढ़ अभिलेख, जिसे कि हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ये किससे रिलेटेड है? रुद्र दामन से रिलेटेड है। थर्ड, नासिक अभिलेख, ये गौतमीपुत्र बलश्री से रिलेटेड है, ठीक है। फिर चौथा क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि समुद्र गुप्त से रिलेटेड है। फिर एहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है? पुलकेसिन से। फिर मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से, अभी हमने डिस्कस किया। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश बोध से। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से। तो ये सारे अभिलेख याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको एक जगह क्लास नोट डाउन कर लीजिए, अगर ये रिपीट हो तो आप परीक्षा में उसको गलत ना करें। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने के लिए समय लीजिए, ठीक है, और उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं आपको समय दूंगी, ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और एक अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है। तो ईश्वर वर्मन की बात की गई है, इनसे रिलेटेड है जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन। दूसरा है सर्व वर्मन, गया कॉपर प्लेट इनसे रिलेटेड है। जीवित गुप्ता द्वितीय, जिनसे की देव बर्नाक अभिलेख रिलेटेड है। ईशान वर्मन, हरहा पाषाण अभिलेख। तो अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके पास्ट ईयर का प्रश्न है, मैं आपको उत्तर बताऊंगी।
यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सर्ववर्मन की अगर हम बात करें तो उनसे रिलेटेड गया कॉपर प्लेट नहीं है। गया कॉपर प्लेट जो है वो आपके गुप्त पीरियड के राजाओं से रिलेटेड था। अभी मैं आपको और अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहाड़पुर कॉपर प्लेट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है गया कॉपर प्लेट। गया कॉपर प्लेट याद रखिएगा, ये आपके गुप्त राजाओं से रिलेटेड था और गया कॉपर प्लेट आपके समुद्र गुप्त से रिलेटेड था। ये भी चीज याद रखिएगा, किससे रिलेटेड था? समुद्र गुप्त से। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए प्रश्न है आपका, पहाड़पुर कॉपर प्लेट जो है वो किस गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है? ठीक है, किस किंग से रिलेटेड है गुप्ता एम्पायर के? स्कंद गुप्त से, चंद्रगुप्त से, बुद्धगुप्त से या फिर कुमार गुप्त से? तो पहाड़पुर की बात की गई है तो पहाड़पुर कॉपर प्लेट जो है वो किससे रिलेटेड है? वो बुद्धगुप्त से रिलेटेड है। थर्ड आपका सही है। यहां पर हम देखते हैं कुछ गुप्त पीरियड के राजाओं के बारे में और उनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन। जैसे प्रयाग प्रशस्ति की जब हम बात करते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति जिसको कि हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, वो किससे रिलेटेड है? समुद्र गुप्त से, याद रखिएगा। ठीक है, ईरान स्टोन पिलर भी पूछा जाता है, वो किससे रिलेटेड है? समुद्र गुप्त से। नालंदा कॉपर प्लेट और गया कॉपर प्लेट किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा, समुद्र गुप्त से। क्लास जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर हम नए प्रश्नों को भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ पास्ट ईयर के प्रश्नों को भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि बैलेंस बना रहे। पास्ट ईयर के प्रश्नों पे बेस्ड हम नए प्रश्नों को फॉर्म कर रहे हैं ताकि अगर कहीं से भी कोई भी चीज रिपीट हो तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर ले। तो देखिए, आप अभी हमने देखा कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन में गया कॉपर प्लेट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर आप याद रख लीजिए कि गया कॉपर प्लेट, नालंदा कॉपर प्लेट, ईरान स्टोन पिलर और प्रयाग प्रशस्ति की जो हम बात करते हैं, ये सब समुद्र गुप्त से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो मेहरौली आयरन पिलर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। कुमार गुप्त की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि कुमार गुप्त ने सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन इशू किए थे, ये याद रखिएगा। अभिलेख, सबसे ज्यादा अभिलेख किसने इशू किए थे? कुमार गुप्त ने इशू किए थे। यहाँ पर आप उदयगिरी केस याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मथुरा याद रखिएगा, विलसद याद रखिएगा। स्कंदगुप्त की हम बात करेंगे तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो जब भी जूनागढ़ अभिलेख की बात होगी तो आप स्कंदगुप्त बताएंगे। भित्री अभिलेख की बात, भित्री पिलर की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त। ठीक है, इंदौर कॉपर प्लेट स्कंदगुप्त, और बुद्धगुप्त के बारे में अभी हमने देखा, यहां पर आपका पहाड़पुर कॉपर प्लेट था। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप ये प्रश्न आपका पीवाईक्यू है और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट विच किंग। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में डिस्कस किया है और थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका उत्तर भी बताया है। बताइए किससे रिलेटेड है? खारवेल से रिलेटेड है कि अशोक से रिलेटेड है, हर्षवर्धन से रिलेटेड है कि कनिष्क से रिलेटेड है? तो थोड़ा समय दूंगी आप लोगों को। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो क्या है? खारवेल से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, ये आपका सही उत्तर है। यहां पर देखिए, कलिंग शासक खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। उल्लेखनीय है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से में प्राप्त होता है, उदयगिरी पहाड़ियों में। तो ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जो परीक्षा में नए प्रश्न बन रहे हैं वो स्टेटमेंट के फॉर्म में बन रहे हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो खारवेल अभिलेख है वो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड है, पहला ऑप्शन आपको दे दें। दूसरा दे दें कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त है, तो आप याद रखेंगे नहीं, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो राजा खारवेल से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से प्राप्त, जो उदयगिरी पहाड़िया है वहां पर स्थित है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। Which of the following inscription gives the information about two अश्वमेध यज्ञ performed by the पुष्यमित्र सुंग? तो यहां पर बताइए
पुष्यमित्र सुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ की किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ये भी आपका पी वाई क्यू है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा है, परीक्षा में पूछ लेता है कि जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, तो आप बताते पुष्यमित्र सुंग से रिलेटेड है, ठीक है। उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको उत्तर बता दिया है बातों बातों में, आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। अगर आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैम आपने तो आंसर दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर है, तब भी मैं आप लोगों के उत्तर का वेट करूंगी, और सही उत्तर जो है वो है सी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, ठीक है, जो कि पुष्यमित्र सुंग द्वारा परफॉर्म किया गया था, वो हमें मिलती है अयोध्या इंस्क्रिप्शन से। सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गांधार कला के बारे में बोला गया है, जूनागढ़ शिलालेख के बारे में बोला गया है, मिलिन पन्हो तक्षशिला, और मैच करना है। तो मिलिन पन्हो तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ये मिनियांडर, ठीक है, सी का फर्स्ट होगा। सी का फर्स्ट देखिए एक ही जगह दिया गया है, तो इसको मैं एक आसान प्रश्न मानूंगी, लेकिन और देखते हैं हम। जब हम बात करें गांधार आर्ट्स की, तो गांधार आर्ट्स किससे रिलेटेड है? कुषाण पीरियड से रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा ना गांधार शैली के बारे में और मथुरा शैली के बारे में, ठीक है, तो ये आपके कुषाण पीरियड से रिलेटेड है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो रुद्र दामन से, ठीक है, और तक्षशिला इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पतिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर सही उत्तर क्या है, बताइए, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। तक्षशिला इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड पतिक, याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने इंस्क्रिप्शन से अभिलेख से रिलेटेड कई प्रश्नों को देखा, अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में सजाइए। तो चलिए प्रश्न को पढ़िए और मुझे उत्तर दीजिए, थोड़ा समय आप लोगों को दूंगी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आपकी कौन सी वंश आए थे? स्लेव डायनेस्टी आई थी सबसे पहले, बताइए। सबसे पहले गुलाम वंश था ना, स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी थी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, फिर लोदी डायनेस्टी, ठीक है, याद रखिएगा ये SKTSL। अब आप इसको अरेंज करिए, लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ठीक है, फिर उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो कि खिलजी वंश का था, फिर उसके बाद यहां पर देखिए तुगलक वंश का, और लास्ट में इब्राहिम लोदी, लोदी वंश। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। क्लास अगर आपको यही पता था कि सबसे पहले स्लेव, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, और यहां पर अगर आप देखते तो लोदी दिया है, अगर आपको यही पता था कि लोदी सबसे आखिरी में होगा तो ऑप्शंस को देखिए, लोदी सबसे आखिरी में, आप इस तरीके से भी प्रश्न को लगा सकते थे, आंसर को टिक लगा सकते थे। देखिए क्लास, आप दिन भर पढ़िए, मैं आपको बोली आप दिन भर पढ़िए, लेकिन आप अगर एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर रहे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या होता है? जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं उसको आपको अप्लाई करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कोर्स तो बहुत ही लेंदी होता है। कोई कहे कि बहुत आसान है पढ़ना, नहीं आसान नहीं है, लेकिन हाँ हम स्मार्टली पढ़ सकते हैं। यहां पर इसको गार्निश वार्निश इसको हटा दीजिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करने को बोला गया, इंग्लिश में इसको सही करिएगा, ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर अगर आपको पता होता कि स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, और आप देखते लोदी, और ये तो ऑप्शन बहुत आसान सेट किया गया था, आप तुरंत टिक लगा लेते, तो ये होता अपने नॉलेज को अप्लाई करना स्मार्टली। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए, समय लीजिए और प्रश्न को पढ़िए। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही है बोला गया है? तो मैं उत्तर बताती हूं, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, एकदम सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि औरंगजेब के शासन में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे, ये भी सही है। देखिए, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सर्वाधिक थी। वह सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला सम्राट था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? तो 1707 में हुई है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको मैं पढ़ देती हूँ। इस्लाम ना स्वीकारने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी, ये याद रखिएगा। तो औरंगजेब ने किस से गुरु की हत्या करवाई थी? तेग बहादुर की कराई थी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये औरंगजेब से रिलेटेड है और ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है ये, तो ध्यान से पढ़िएगा। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे आपको अरेंज करना है। अच्छा, यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो तब भी आप मुझे बताइए क्या होगा। 1, 2, 3, 4 होगा, ऑप्शन ए ले लीजिए, ठीक है। बी सी डी ऑप्शन बनाइए। तो यहां पर हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 2, ठीक है, फिर उसके बाद 4, फिर कुछ भी ले लीजिए, यहां पे 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, फिर इसी तरीके से यहां पर ले लीजिए 4, 3, 2, 1 या फिर 3, 4, 1, 2। तो बताइए सही उत्तर क्या है यहां पर, ए बी सी डी कौन सा सही उत्तर है? ये आपका पास ईयर का क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं एक एक को। बैटल ऑफ देवराई की लड़ाई, ठीक है, देवराई की लड़ाई, बैटल ऑफ देवराई कहां कब हुआ था पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये आपका हुआ था 1659 में। बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई थी? 1658 में, ठीक है। बैटल ऑफ सामूगढ़ की लड़ाई, ठीक है, बैटल ऑफ सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई है? ये भी आपका 1658 में हुई है और मई 1658 में हुई है। धर्मठ पे विजय की अगर हम बात करेंगे तो ये अप्रैल 1658 में। अब देखिए क्लास, जब आप युद्ध को पढ़ते हैं ना, तो आपको ये चीज समझ में आ जाता है कि पहले आपका धर्मठ पे विजय इन्होंने प्राप्त की, उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी थी औरंगजेब ने, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका हुआ है 2, फिर 4, फिर 3, 1, 2, 4, 3, 1, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 1658 में जो घटनाएं हुई हैं उसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले बनारस के पास सूजा की पराजय इन्होंने पराजित किया था, ठीक है, उसके बाद धर्मठ पे इन्होंने विजय पाई थी, फिर सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद देवराई की लड़ाई लड़ी थी। ये आपका पास्ट ईयर का प्रश्न है, तो यहां पर आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगर रिपीट होता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि यहां पर मैंने अपने आप से ऑप्शन को अरेंज किया था। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था, बताइए कौन था? अब्दुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय या फिर शाइस्ता खान। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है
ए। जब औरंगजेब ने गोलकोंडा के किले पर अधिकार किया था तो उस समय वहां का शासक था अब्दुल हसन कुतुब शाह। ए आपका सही उत्तर है। ये भी पास्ट ईयर का पूछा गया प्रश्न है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उच्च जमानी की उपाधि प्रदान की थी? प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समय दे रही हूं। किसको दिया था बताइए, शाइस्ता खान को, अमीन खान को, जहां आरा को या फिर रोशन आरा को? तो यहां पर साहिबात उच्च जमानी की उपाधि इन्होंने जहां आरा को दी थी। जहां आरा जो थी वो बादशाह सम्राट शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी और औरंगजेब की बहन थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ द मराठा लीडरशिप वॉज इन द हैंड ऑफ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था बताइए। अभी हमने देखा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है, तो उस समय संभाजी थे या फिर राजा राम थे, जीजाबाई थी या फिर ताराबाई थी? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, ताराबाई। ताराबाई राजा राम की विधवा थी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्र संघर्ष जारी रखा। उसने ताराबाई रायगढ़, सतारा तथा सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया था। उसने मतलब यहाँ पे ताराबाई ने, ठीक है, रायगढ़, सतारा तथा सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। सल्तनत काल में प्रचलित शब्द इद्रार का क्या अर्थ है? प्रश्न को आप लोग पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास करिए। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, अन्य देशों के साथ व्यापार की एक निर्यात वस्तु थी ये, या विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी, या फिर इमारतों के निर्माण करने के संबंध में प्रयुक्त होता था? तो इद्रार का क्या अर्थ था? इद्रार का मतलब था विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, सी आपका सही उत्तर है। हम एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्योंकि यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है। इद्रार हमने डिस्कस कर ही लिया है, विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। सदका मतलब धार्मिक कर होता था। वक्त की बात अगर हम करेंगे तो धार्मिक कार्य के लिए सुरक्षित कर दी जाने वाली संपत्ति अथवा भूमि को हम वक्फ कहते थे। मसाहत की बात करेंगे तो भूमि को पैमाइश, भूमि की पैमाइश को कहते थे। मिल्क विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान करने की जाने वाली भूमि थी ये, धार्मिक कार्यों के लिए, ठीक है। और म्यांमार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इमारतों का निर्माण करने वाला, ठीक है। चलिए यहां पर याद रखिएगा क्लास एक चीज, जब हम मिल्क की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी ये विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब हम आर्थिक सहायता की बात करेंगे तो उसको हम इद्रार कहेंगे। ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो एक बार ध्यान से इनको पढ़िएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको हमीदा बानू बेगम दिया है, फिर सलीमा सुल्तान दिया है, जीजी अंगा दिया है, फिर महमंग अंगा दिया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। जो पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद है उसका निर्माण महमंग अंगा ने कराया था, दी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही जाती है, यह कथन निम्न में से किसका है? भगत सिंह का, मंगल पांडे का, राम प्रसाद बिस्मिल का या फिर सुभाष चंद्र बोस का?
उत्तर दीजिए क्लास, किसका है ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। हिंट मिल गया होगा आपको, तो यहां पर सही कह रहे हैं आप लोग। जो सही उत्तर है वो क्या है, ए भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने ये बोला था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की गई है, तो बताइए जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन या फिर जयप्रकाश नारायण। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, जयप्रकाश नारायण, डी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था और वहां से जेल की दीवार को फांद कर ये फरार हो गए थे, तथा इन्होंने आंदोलन को भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था। तो अगर परीक्षा में पूछे भूमिगत होकर किसने आंदोलन चलाया था, तो आप बताएंगे भूमिगत होकर गतिविधियों को संगठित किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, और इन्होंने एक दस्ता बनाई थी जिसका कि नाम क्या रखा था, आजाद दस्ता, याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये भी रिसेंट का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कौन महिला इससे संबंधित नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन से कौन महिला संबंधित नहीं है, बताइए। कनक लता बरुआ, मातंगिनी हजारा, शांति घोष या फिर अरुणा आसफअली। अब परीक्षा में ये प्रश्न क्विट इंडिया मूवमेंट से कई बार पूछा गया है, लेकिन हर बार पूछा जाता था कि अरुणा आसफअली जो है वो किस मूवमेंट से रिलेटेड है, किस आंदोलन से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट्स बता देते थे क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। तो बार बार अरुणा आसफ अली का ही नाम मिलता था, तो इन्होंने और वुमेन्स का नाम दे दिया, और महिलाओं का नाम दे दिया, पूछ लिया इसमें से कौन नहीं है उससे एसोसिएटेड। तो क्या उत्तर होगा बताइए, ए बी सी डी, समय ले लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि मैम समय नहीं देती है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। समय लीजिए और उत्तर बताइए क्लास। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है शांति घोष, शांति घोष इससे रिलेटेड नहीं है, और सारी महिलाएं जो दी गई हैं वो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड हैं। अब ये एक नया प्रश्न को हम देखते हैं, शारदा एक्ट 1930 में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु डैश तथा लड़कों की न्यूनतम आयु डैश निर्धारित की गई थी। तो बताइए लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी और लड़कों की कितनी निर्धारित की गई थी, आप पढ़ लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी, समय दे रही हूं मैं आपको, आप उत्तर दीजिए। चलिए बताइए, अब मैं उत्तर बताने जा रही हूं, जिन्होंने अभी भी उत्तर नहीं दिया है वो वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ के आराम से समय लीजिएगा। तो यहां पर जो लड़की की न्यूनतम आयु थी वो 14 और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 कर दी गई थी, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इस समय वॉइसरॉय कौन था 1930 में, लॉर्ड इरविन था, ये भी याद रखिएगा, कौन था, इरविन था जब शारदा एक्ट आया था। अब यहां पर ये देखिए कुछ अधिनियम दिए गए हैं, गवर्नर दिए गए हैं, किस वर्ष आया है, तो सती प्रथा प्रतिबंध की अगर हम बात करेंगे तो उस समय गवर्नर कौन था, टिक था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, 1829, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, परीक्षा में पूछा गया है, एलन ब्रो ने लगाया था, समय 1843 था। ठीक है, चलिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे तो उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिन था, 1856। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे, नॉर्थ ब्रुक था, 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करेंगे, लॉर्ड लेंसडाउन था, और ये 1891। क्लास इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे जो मैंने गंदा सा टिक लगा दिया इसको मैं हटा दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से स्लाइड दिखे और इसको पढ़िए, ठीक है, अच्छे से। चलिए, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बात किस चार्टर में की गई थी, तो वो 1833 के चार्टर में की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए,
यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए शारदा एक्ट कब आया है, अभी हमने पढ़ा है शारदा एक्ट, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया है ना आपसे, 1930 का समय चल रहा है जब शारदा एक्ट के लगता है आपका, तो ये 1930-1929 का समय है शारदा एक्ट वाला, ये चीज याद रखिएगा। उस समय लॉर्ड इरविन था। साइमन कमीशन कब आया है बताइए, चलिए 1927 में साइमन कमीशन आया है, ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ है, ये तो पता ही होगा, दांडी मार्च तो ये आपका 1930 मार्च में ना, मार्च 1930। नेहरू रिपोर्ट कब आई है, 1928 में। शारदा कब आया है, 1929 से 1930 के बीच में। तो अब आप इसको अरेंज करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले साइमन कमीशन, ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या है, शारदा अधिनियम है, और उसके बाद क्या है, दांडी मार्च है। देखिए क्लास आपको, चलो इसमें से ये तो पता होगा ना कि साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में। जब साइमन कमीशन भारत आया तो लोगों ने क्या किया, काला झंडा दिखाया हर जगह, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। तो जब चैलेंज दिया गया ब्रिटिशर्स से, बोला गया कि इसमें कोई भी इंडियंस नहीं शामिल है, तो उन्होंने कहा आप लोग अगर इतने सक्षम हैं तो अपनी रिपोर्ट बनाइए। तो फिर नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हुई, और नेहरू रिपोर्ट जब बनकर तैयार हो गई तो एक साल का समय दिया गया कि आप हमारी नेहरू रिपोर्ट को एक साल के भीतर इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन आपको पता है ब्रिटिशर्स ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, और नेहरू रिपोर्ट में हमने डिमांड की थी डोमिनियन स्टेटस की, और बोला गया था कि अगर एक साल तक नेहरू रिपोर्ट नहीं इम्प्लीमेंट की गई तो हम अपने डिमांड को चेंज करेंगे। इसीलिए 1929 में लाहौर सेशन हुआ जिसमें कहा गया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। अगर आपने हमारी नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली होती तब ठीक है, लेकिन अब वो समय गया डोमिनियन स्टेटस का, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, ठीक है। और वही है ना कि 1929 के लाहौर सेशन में रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने झंडा गाड़ा और बोला कि आज से हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो खूब अच्छे से पढ़ा करिए हिस्ट्री, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एकदम स्टोरी की तरीके से, तो आपको कभी नहीं भूलेगी। उसके बाद आपका दांडी मार्च होता है, फिर आगे की घटना आपको पता है, दांडी मार्च होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पे आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, कथन एक और कथन दो दिया गया है। जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है, तो उस मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिमेन द सेम, मतलब कॉस्ट सेम है इन द इकोनॉमी बट द डिमांड एक्सीड टू द सप्लाई ऑफ द गुड एंड सर्विस, इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सॉरी क्लास। दूसरा है, यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे लागत जन मुद्रास्फीति कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। एकदम सही है। देखिए आप, अगर हम कहें कि मार्केट में 100 गाड़ियां हैं, ठीक है, और 100 गाड़ी को खरीदने के लिए 100 लोग हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, 100 गाड़ी हैं, एक एक लोग एक एक गाड़ी खरीद लेंगे, कौन सी बात है। लेकिन अभी मैं कहूं कि मार्केट में 100 गाड़ियां हैं लेकिन इस 100 गाड़ी को खरीदने के लिए 1,00,000 लोग हैं, 1,00,000 पीपल हैं, यहाँ पे लोग हैं, तो आप देख रहे हैं डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। तो पहले जो गाड़ियां आपकी मान के चलते 1 रुपए में बिकती थी, आप लोगों को लगेगा मैम 1 रुपए क्यों रख रहे हो, अरे आसानी से समझने के लिए, ठीक है, 100 गाड़ी थी, 1-1 रुपए की गाड़ी थी, 100 लोग थे, 100 लोग गए, 1-1 रुपए दिया, गाड़ी खरीद लाए, वेरी गुड, कितना अच्छा लगा सुन के ना, 1 रुपए की गाड़ी मिल रही है। फिर लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अब क्या है, मार्केट में 100 गाड़ियां हैं लेकिन जब लोगों को पता चला अरे गाड़ी 1 रुपए की मिल रही है तो लाखों लोग आ गए गाड़ी खरीदने के लिए कि भाई हमको चाहिए 1 रुपए वाली गाड़ी। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर था, जो गाड़ी को बना रहा था, उसको समझ में आ गया कि डिमांड बढ़ गई है उसकी गाड़ी की,
तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि अब हम 1 रुपए की गाड़ी नहीं बेचेंगे, अब हम इस गाड़ी को 10 रुपए में बेचेंगे। तो जो लोग मुझे 10 रुपए देंगे उसको हम ये गाड़ी देंगे। तो ये 1 लाख लोग जब आए, डिमांड बढ़ी, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, गाड़ी के रेट को बढ़ा दिया। इसको हम क्या कहते, इसको हम कहते डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित, मांग के द्वारा ना, मांग से प्रेरित होकर मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन आया। पहले जो गाड़ी 1 रुपए की मिलती थी, अब वो 10 रुपए की मिल रही है, तो इन्फ्लेशन तो आया, ठीक है, लेकिन डिमांड के वजह से, क्योंकि मांग बढ़ गई थी। ये चीज समझ में आ गया होगा। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन था, अब समझो पहले एक गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए 1 रुपए का मटेरियल लगता था, लेकिन अब इसी गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए 10 रुपए का मटेरियल लग रहा है। मतलब स्टील महंगी हो गई, पुर्जे महंगे हो गए, पार्ट्स महंगे हो गए। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट का जो प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ गया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो पहले 1 रुपए में ही गाड़ी बन के तैयार हो जा रही थी, अब स्टील का महंगा होने के कारण ये 10 रुपए में बन के तैयार हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन आएगा यहाँ पर क्यों, क्योंकि जब गाड़ी 1 रुपए में बन के तैयार हो रही थी तो मार्केट में हम उसको 2 रुपए में बेच दे रहे थे मैक्सिमम, लेकिन अब जब 10 रुपए की बन के तैयार हो रही है तो हम उसको 2 रुपए में थोड़ी ना बेचेंगे, हम उसको कम से कम 20 रुपए में बेचेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा महंगाई आई किसके वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, लागत की वजह से, लागत, ठीक है, का वो बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं वहां पर, तो आपका वस्तु भी महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, सी आपका सही उत्तर है। समझ में आया क्लास, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। उद्योग दिया गया है और पहला कारखाना दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आराम से इसको सॉल्व करो। समय दूंगी, मुझे भी आराम मिलता है, जब मैं आप लोगों को समय देती हूं ना तो मेरे गले को 2 मिनट के लिए आराम मिल जाता है, तो समय लो। तो सूती वस्त्र दिया है, कागज दिया है, लौह इस्पात दिया है, भारी इंजीनियरिंग दिया है। तो सूती वस्त्र का जो पहली फैक्ट्री थी वो कहां पे एस्टैब्लिश हुई थी बताइए, वो फोर्ट ग्लास्टार में, ठीक है, कोलकाता में। तो ए का सेकंड, 2 जगह दिया गया है। कागज की बात करेंगे तो कागज का श्रीरामपुर में, बी का फर्स्ट यहां दिया गया है। लौह इस्पात की बात करेंगे, आयरन स्टील की बात करेंगे तो कुल्टी पश्चिम बंगाल, तो सी का फोर्थ हो गया, ये रहा। और भारी इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो रांची झारखंड, डी का थर्ड। तो यहां पर सही उत्तर क्या है, यहां पर आपका सही उत्तर बी है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, उद्योग दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया और स्थान दिया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो सूती वस्त्र फोर्ट ग्लास्टार पश्चिम बंगाल 1818 में, कागज 1812 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल, सीमेंट 1904 में चेन्नई तमिलनाडु, लौह इस्पात की बात करेंगे कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874, जूट 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल, एल्यूमिनियम 1937 जेके नगर पश्चिम बंगाल, भारतीय इंजीनियर 1958 रांची झारखंड। आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है, तो कौन सा स्ट्रेट जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी हम स्टेट्स की बात करेंगे तो ये 2 लैंड्स को, लैंड मासेस को अलग करेंगी, ठीक है, और 2 वाटर बॉडीज को क्या करेंगी, जोड़ेंगी। वेरी गुड, आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, आप लोगों को ये सब चीजें पता रहती है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य है, मतलब बेरिंग स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट है या फिर पाक स्ट्रेट है, बताइए, समय लीजिए, बताइए। किसकी बात की गई है, ब्रिटेन और फ्रांस की। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या है, डोवर स्ट्रेट, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ठीक है, ये आपको ब्रिटेन दिख रहा है, ये इंग्लैंड वाला पोर्शन दिख रहा है, इधर आपको फ्रांस बेल्जियम ये सब दिख रहा है, तो ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है। और किन किन वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से, क्लियर हो गया।
यहां पर एक और स्ट्रेट देखिए, हॉर्मूज स्ट्रेट, यहां पर आपका है बाबल मंडेब स्ट्रेट। अभी हम डिस्कस करते हैं, यहां पर देखिए, देखिए बेरिंग स्ट्रेट की जब हम बात करेंगे तो ये आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है, ठीक है, रशिया को यूएसए से अलग करता है। जिब्राल्टर की बात करेंगे तो ये यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करता है, यूरोप के मोरक्को को स्पेन से। डोबर स्ट्रेट की बात करेंगे तो ब्रिटेन एवं फ्रांस को, अभी हमने देखा। मलक्का की बात करेंगे तो मलाया और सुमात्रा को। फ्लोरिडा की बात करेंगे तो यूएसए को वेस्ट इंडीज से, याद रखिएगा। पाक स्ट्रेट आप सभी को पता है, भारत और श्रीलंका को। यहाँ पे जोड़ता किन किन को है देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आगे की टेस्ट में और स्ट्रेट्स रिवाइज कराएंगे तो आपका एकदम तैयार हो जाएगा। इस प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चलिए सही कथन बताइए आप लोग। 21 जून एवं 22 दिसंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तीसरा है, चिनुक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म व सूक्ष्म हवा। तो यहां पर आपका सही क्या है, गलत क्या है बताइए। मैं उत्तर बताने जा रही हूं, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है वो वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को एक बार और पढ़ लीजिए क्लास, ठीक है। उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए यहां पर क्लास, जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि 21 जून एवं 22 दिसंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, ये गलत है। दोनों गोलार्ध में 21 मार्च, लिखिए यहां पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा है, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, जो कि आपका सही है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ये दो बार काटती है और फिर इसके बाद ये आपके हिंद महासागर में जाकर गिर भी जाती है। चिनुक रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म हवा है, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका में अगर हम देखेंगे, लिम्पोपो नदी इधर है, देखिए लिम्पोपो नदी ये रहा, यहां पर अच्छे से दिखेगा आपको, ये लिम्पोपो नदी है, दिख रहा है। और ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इधर देखिए नामबिब डेजर्ट है, ये कालाहारी डेजर्ट है, इधर लिम्पोपो नदी है, याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर रहा होके गुजर रहा है, ठीक है, इक्वेटर गुजर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो अगर कभी भी परीक्षा में पूछे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है, तो आप बताएंगे अफ्रीका, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है, तो बताइए। ये भी प्रश्न हमने डिस्कस किया है, अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, कालाहारी कहाँ है, थार कहाँ है, नामबिब डेजर्ट कहाँ है। नामबिब डेजर्ट तो अभी हमने देखा ना, इसको साउथ करिए, साउथ अफ्रीका। तो यहां पर अटाकामा डेजर्ट आपका साउथ अमेरिका में है, सही है। थार डेजर्ट एशिया में है, सही है। नामबिब डेजर्ट साउथ अफ्रीका में है, सही है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, कालाहारी डेजर्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में है, अभी हमने देखा है, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि देखिए ये क्या है, ये नामबिब डेजर्ट है, याद करिए, इधर कालाहारी डेजर्ट है, इधर लिम्पोपो नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काट रही है, ठीक है। यहाँ पे डेकेंसबर्ग रेंज भी देखिएगा, पूछता है परीक्षा में कि डेकेंसबर्ग रेंज कहाँ पर है, ठीक है। और ऊपर देखिए, इधर देखेंगे तो ये विक्टोरिया फॉल, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया है। चलिए यहाँ पे हो गया क्लियर। अब देखिए कुछ डेजर्ट है उनसे रिलेटेड है, सहारा डेजर्ट की बात करेंगे तो देख लीजिए, अल्जीरिया, चार्ड, लीबिया, माली, ठीक है, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया, मिश्र, मोरक्को। अब हम ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट है, याद करिए, सैंडी डेजर्ट है, ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट है,
गिब्सन डेजर्ट है, स्टुअर्ट रेगिस्तान है ना, ये सब चीजें डिस्कस की। ऑस्ट्रेलिया का मैप जरूर देखेगा क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोबी डेजर्ट की बात करेंगे तो गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया चाइना में है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तकला मकान की बात करेंगे तो वो चाइना में है। नामबिब डेजर्ट अभी हमने देखा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर नामबिब डेजर्ट, ये नामबिब डेजर्ट है जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। और दक्षिण अफ्रीका में अगर हम देखेंगे तो ये नाम्बिया में है, तो नामबिब डेजर्ट नाम्बिया में है। कराकोम की बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान। थार की बात करेंगे तो ये आपको पता है भारत और पाकिस्तान में है। सोमाली की बात करेंगे तो ये सोमालिया। ठीक है, अटाकामा ये आपका साउथ अफ्रीका में है। दस्ते लूट जो है वो ईरान में है। मोजाब जो है वो यूएसए में है, दक्षिण कैलिफोर्निया में। तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, कौन सी एक विशेषता धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नहीं है बोला गया है। तो धारवाड़ रेंज की बात की गई है, एक एक ऑप्शन को पढ़िएगा। ये चट्टाने भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टाने हैं। चलो दूसरा है, देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं इन्हीं चट्टानों में मिलती है। फिर है, ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टाने हैं। फिर आखिरी है, भारत का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। तो क्लास बताइए ए बी सी डी में से क्या होगा, मैं उत्तर बताने जा रही हूं आप लोगों को। हम लोग अक्सर बात करते हैं धारवाड़ रेंज की और गोडवाना रेंज की। धारवाड़ रेंज किस लिए फेमस है, मिनरल्स के लिए फेमस है। ठीक है, और गोडवाना रेंज किस लिए फेमस है बताइए, गोडवाना रेंज कोयले के लिए फेमस है। तो अगर हम भारत के 90% कोयले की बात करेंगे तो वो कहां से प्राप्त होता है, गोडवाना से प्राप्त होता है, ना कि धारवाड़ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, आपका डी गलत है। ठीक है, डी गलत है। आगे बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ घटना दी गई है, दूसरी तरफ यौगिक दिए गए हैं। तो बताइए एसिड रेन, अम्ल वर्षा, प्रकाश रासायनिक धुंध, फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दिया गया है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ओजोन परत का क्षरण। तो ओजोन परत का क्षरण किसके वजह से होता है, सीएफसी की वजह से होता है। डी का फर्स्ट दो जगह दिया गया है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कहां पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, दो में दिया गया है। प्रकाश रासायनिक धुंध की बात करेंगे, ये फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की जा रही है, ये किसकी वजह से होता है बताइए, प्रकाश रासायनिक धुंध ये आपका हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की वजह से। अम्ल वर्षा किसके वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है नॉक्स और सॉक्स जो होता है यही आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दिए गए हैं और स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। तो एक बार देखिए क्लास, समय ले लीजिए थोड़ा सा आप लोग। चमेरा, दोयांग, कोयना, उकाई। तो चमेरा परियोजना कहां पर है बताइए, टिक लगाइए अपने प्रश्न को, मतलब उत्तर को। तो चमेरा प्रोजेक्ट जो है, मैं उत्तर बताती हूं आपको, ये हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है, रावी नदी पर है। ठीक है, दोयांग परियोजना की हम बात करेंगे तो ये नागालैंड में है, दोयांग नदी पर। कोयना की बात करेंगे तो ये कोयना नदी पर है, कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर इसके बाद उकाई की बात करेंगे तो ये गुजरात में है, तापी नदी पर। याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा है। तो ए का थ्री दो जगह दिया गया है, दोयांग नागालैंड चार, ठीक है, कोयना महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उकई गुजरात जो कि तापी नदी पर है,
डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा है बताइए, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर उत्तर अंडमान। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, सबसे दक्षिण जो अंडमान है वो लिटिल अंडमान है, सी सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है, ठीक है, फिर यहां पे आपको लिटिल अंडमान दिख रहा है। अब यहां पर अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है, ये भी याद रखिएगा, 10 डिग्री यहां पे दिख रहा होगा। यहां पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जो मध्य अंडमान है, जो मिडिल अंडमान है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो सैंडल पीक है, और वो कहां पर स्थित है, वो आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है, जबकि ग्रेट निकोबार द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो माउंट धुलियार, याद रखिएगा, अगर परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे कि अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट धुलियार है तो तुरंत बोलिएगा कि गलत है, ग्रेट निकोबार द्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट धुलियार है। अगर अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो वो क्या है, सैंडल पीक है। डंकन पास छोटा अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है, याद रखिएगा, यहां पर देखिए बना है तो दिखा दे आपको, छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य डंकन पास है, यहां पे बना नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा लिटिल अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में इधर आपका डंकन पास है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे ये 100 डिग्री नहीं, ये 10 डिग्री, ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, केंद्रीय जल परिवहन निगम, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान और अंतर्देशीय जल मार्ग, बताइए कहां कहां पर है, समय ले लीजिए आप लोग। तो यहां पर राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है वो पटना में है, तो ए का टू एक ही जगह दिया है, बी आपका सही होगा, लेकिन हम और ऑप्शंस को देखेंगे। केंद्रीय जल परिवहन निगम की जब हम बात करेंगे तो वो आपका कोलकाता में है, ठीक है, बी का फोर्थ। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की हम बात करेंगे तो ये गोवा में है, और अंतर्देशीय जल मार्ग निगम की बात करेंगे तो ये नोएडा में है, तो बी आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, अब बताइएगा आप लोग कि समय ठीक दे रही हूं ना आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने के लिए कि और समय चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से मत डरा करिए, कोई चीज अच्छी लगे मैम को बताइए, कोई चीज खराब लगे मुझे बताइए, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइए, मेरा मेन पर्पस क्या है कि आप लोगों की तैयारी करा सकूं। तो कोई भी परेशानी अगर आप लोगों को हो रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करें। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और क्लास कैसी लगी ये भी बता दिया करिए, कभी कभी आप लोगों के कमेंट पढ़ के खुशी मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मन बहुत ऑफ रहता है, मन नहीं करता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ लो ना तो लगता है अरे नहीं हमें और मेहनत करनी है चीजों को लेके। लास्ट क्लास में मैंने करंट अफेयर कवर किया था, इस क्लास में आज करंट अफेयर नहीं कवर किया है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या टेस्ट में कुछ करंट अफेयर्स को भी कवर करूं कि ना करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए यहां पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जो लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है बताइए, दूसरा है जो सितार है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इससे पूछा गया है आपका कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा गया है। तो बताओ सितार जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अगर सितार ऐसा करता तो जैसे सितार बजाने जाते ना बिजली के झटके लग जाते, समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करता, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मधुर ध्वनि निकलती है ना जब सितार बजता है, तो ये गलत है। तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा था, तो डी आपका सही उत्तर होगा। इसको देख लीजिएगा, जो विद्युत बल्ब है, बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, डायनमो देख लीजिए, ये परीक्षा में पूछता है,
डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती की बात करेंगे तो ये केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर कथन और कारण पे दिया गया है। पारे की छोटी बूंदे गोल होती है परंतु बड़ी बूंदे चपेट होती है। बहुत छोटी पारे की बूंद का द्रव्यमान कम होने के कारण उस पर गुरुत्व बल ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है और बूंद बड़ी होने पर गुरुत्व बल बढ़ जाता है। तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा आपका सही है, कौन सा सही नहीं है, या फिर अगर सही है तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, बताइए। समय ले लीजिए थोड़ा सा आप लोग। तो क्लास यहां पर देखिए, ये बिल्कुल सही है कि पारे की जब बूंदे छोटी होती है तो वो गोल होती है, परंतु जब वो बड़ी होती है तो वो चपेट हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटी पारे की बूंद का जो द्रव्यमान होता है वो कम होने के कारण उस पर गुरुत्व बल भी कम लगता है, ठीक है। अतः जो सरफेस टेंशन बल होता है वो अधिक प्रभावी होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब बूंदे बड़ी होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से बूंदे चपेट हो जाती है। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन आपका बढ़ जाता है और सरफेस टेंशन जो है वो जीरो हो जाता है ऑन क्रिटिकल हीट। तो सही क्या है, उत्तर बताने जा रही हूं मैं आपको। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके वजह से इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो होता है इनके बीच में वो डिक्रीज हो जाता है और सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज होता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन आपका क्रिटिकल हीट पे जीरो हो जाता है, ये आपका सही है। तो यहां पर कौन सा करेक्ट है, खाली दो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, यहां पर आपको ब्रांच ऑफ साइंस दी गई है और वो ब्रांच ऑफ साइंस किस चीज से रिलेटेड है वो बोला गया, ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं। तो बताइए, फ्रेनोलॉजी आपके खोपड़ी के अध्ययन से रिलेटेड है, स्कल स्टडी से रिलेटेड है, मायोलॉजी मांसपेशियों से रिलेटेड है, नेफ्रोलॉजी किडनी की स्टडी से रिलेटेड है, कौन सा सही है? ये तो पता है ना, नेफ्रो डिपार्टमेंट में जाइए तो किडनी स्टडी से रिलेटेड है, मायोलॉजी मसल से और फ्रेनोलॉजी आपका स्कल से, बताइए उत्तर, एक दो तीन या फिर सारे सही है? तो यहां पर आपके सारे सही है, डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसको देख लेते हैं एक बार। एंटोमोलॉजी की बात करेंगे तो ये आपका कीट पतंग विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। ओर्निथोलॉजी की बात करेंगे, पक्षी से, क्लास ये परीक्षा में पूछा जाता है तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो मानव विकास का अध्ययन है, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन है, इथोलॉजी जीवों के प्रजाति गुण का अध्ययन है, जेनेटिक्स की बात करेंगे तो आपको पता है जीन से रिलेटेड है, वंशानुगत गुणों का अध्ययन है, न्यूरोलॉजी की हम बात करेंगे तो ये मस्तिष्क रोग का अध्ययन है, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन है, गायनकोलॉजी की बात करेंगे तो स्त्री रोग से, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड है, हिमेटोलॉजी आपका यकृत का अध्ययन है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, एग्रोनॉमी फसली पादप का अध्ययन है, और पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। कंधे का जोड़ व कूल्हे का जोड़ किस प्रकार की अस्थि संधि है, बताइए। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में किस तरीके का दिखता है आपको जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखता है, हिंज जॉइंट दिखता है जिसको कि कब्जा जॉइंट कहते हैं, पाइवट जॉइंट दिखता है या फिर सैडल जॉइंट दिखता है, समय लीजिए उत्तर दीजिए। ए बी सी डी में से किस तरीके का जॉइंट है, तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है वो बॉल और एंड सॉकेट जॉइंट है, यहाँ पे फिगर से देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये आपका हिप जॉइंट है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये है सॉकेट यहाँ पर और ये बॉल है, ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इधर शोल्डर को देखेंगे तो ये बॉल है और इधर सॉकेट है, तो इसको भी हम
शोल्डर और हिप जॉइंट में हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, यकृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा है, यकृत द्वारा श्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। और आखिरी है, यकृत प्रोटीन उपापच में भाग लेता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। तो बताइए कौन सा सही है आपका। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, अभी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, एकदम सही है। लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है कि नहीं बोलो, होता है। बाइल जूस लिवर से सिक्रीट होने के बाद कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वेरी गुड। और लिवर आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वो मदद करेगा। यहां पर सही उत्तर डी हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए, यकृत के निचले भाग में स्थित नाशपाती के आकार की छोटी थैली पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहलाती है, तो गॉल ब्लैडर के बारे में दिया गया है, ठीक है। लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है और वो गॉल ब्लैडर में जाकर क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। यहाँ पे देखिए, पित्त काइम पिसा हुआ भोजन की वसा को जल के साथ मिलाकर इमल्शन बनाने में सहायता करता है। ये पित्त उसका बोला गया है, बाइल जूस के बारे में दिया गया है, तो डाइजेशन में मदद करता है ये चीज, ठीक है। अपित वसा एवं प्रोटीन के अवशोषण में सहायता करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया सोडियम 24 कार्बन 14 आयोडाइड 313, ठीक है। तो बताइए, तो आपको पता आयोडीन की जब भी हम बात करते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। समय ले लो, नहीं तो कहोगे कि मैम उत्तर दे दी, ए बी सी डी में से क्या उत्तर होगा। ठीक है, चलो, आयोडीन की जब बात करेंगे, यहाँ पे आई मतलब आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर के लिए एकदम सही है। सोडियम 24 ब्लड क्लॉट के डिटेक्शन के लिए, ये भी सही है। कार्बन 14 की बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, नहीं। कार्बन की जब भी हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग की, तो ये किसी भी का एज फाइंड आउट करने के लिए ना, कार्बन काल के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, 1 और 3, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सोडियम 24 का हम रक्त में थक्के का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, C14 का कार्बन काल के निर्धारण में, P32 की अगर हम बात करेंगे तो ल्यूकेमेनिया कैंसर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। I313 आयोडीन की बात की जा रही है तो थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने के लिए, ठीक है। फेरस Fe की बात की जा रही है यहाँ पर 59, तो यहाँ पर ये आपके रक्त से रिलेटेड रोग के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए। आर्सेनिक 14 त्वचा संबंधी रोगों के लिए, इसको देख लीजिएगा क्लास, पूछा जाता है परीक्षा में। अगला प्रश्न, मैरी कल्चर का संबंध किससे है, तो ऑप्शन पढ़िए ए बी सी डी, इससे रिलेटेड है, संरक्षण के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से। दूसरा दिया गया है, विशेष समुद्री क्षेत्र में समुद्री मछली की विशेष प्रजाति के संरक्षण से। सी दिया है, भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से। और आखिरी में दिया गया है, विशेष समुद्री क्षेत्र में मछलियों के भोजन हेतु खाद्य पदार्थों प्लवक के संवर्धन से। तो ये जो मैरी कल्चर है वो आपका रिलेटेड है ए बी सी डी, किससे, सी से रिलेटेड है, ठीक है, भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से। तो सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ और प्रमुख अध्ययन दिए गए हैं, जैसे अर्बोरी कल्चर की बात करेंगे तो ये वृक्ष उत्पादन व संबंधी विज्ञान है। एपिकल्चर की जब हम बात करते हैं तो वो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। ओलेरी कल्चर की बात करते हैं तो सब्जियों की व्यापारिक कृषि से रिलेटेड है। पिसी कल्चर मछली पालन से। फ्लोरी कल्चर फूलों की कृषि से। सिल्वी कल्चर वन कृषि का अध्ययन। सेरी कल्चर रेशम उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर फल फूल एवं सब्जी उत्पादन से, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पढ़िए इस प्रश्न को, राज्यसभा से रिलेटेड है। राज्यसभा से रिलेटेड हमने कई प्रश्नों को सॉल्व किया है पहले भी। तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताने हैं आपको, बताइए। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है,
तो एक परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होती राज्यसभा ना, एकदम सही है। संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, बताइए एकदम सही है कि नहीं सही है। फिर मैं पढ़ती हूँ, संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, इसमें की गई है कि नहीं की गई है, और आखिरी देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो बताइए सही क्या है। पहला तो मैंने बता दिया सही है, 2 और 3 में आपका सही है कि गलत है, तो बहुत अच्छा। आप लोगों को पता है कि राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का नहीं 6 साल का होता है, और मैम यहाँ पर 5th शेड्यूल नहीं, यहाँ पर कौन सा शेड्यूल होगा जल्दी बताओ, 4th शेड्यूल होगा, ठीक है। 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, 5वें में नहीं। 5वां 6वां तो आपका वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला हो गया ना, ट्राइबल एरियाज वाला हो गया, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य कथन पूछा है तो बी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकार या आयोग का गठन कब हुआ था? इसमें तो आपको समय नहीं चाहिए ना प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, 1917, 1918, 1983 की 1995। तो सरकार या कमीशन का जो गठन हुआ था, पहले याद रखिएगा सरकार या कमीशन आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और इसका गठन 1983 में हुआ था, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, एक तरफ यूटीज दिए गए हैं, एक तरफ हाई कोर्ट दिए गए हैं, तो बताइए कौन सी यूनियन टेरिटरीज किस हाई कोर्ट के अंडर आती है? लक्षद्वीप, पुंडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन दीव। तो लक्षद्वीप आपका किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है, 1, 2, 3, 4 बताओ, तो लक्षद्वीप जो है वो आपका आता है केरल में, ठीक है, केरल हाई कोर्ट में, तो ए का 4th 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। तो बी का 3rd यहां से पता चल गया, पुंडुचेरी चेन्नई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अंडमान निकोबार, ये कोलकाता हाई कोर्ट में, दमन दीव ये मुंबई में, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, डी आपका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में, लक्षद्वीप केरल में, पुंडुचेरी चेन्नई, अंडमान निकोबार कोलकाता, दमन दीव मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रथम बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था, तो बताइए किस आम चुनाव में किया गया था। सबसे पहले मुझे एक उत्तर बताइए आप लोग कि किस अमेंडमेंट के थ्रू, किस संविधान संशोधन के थ्रू जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। फिर सुनिए, जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में इसको किया गया था, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ये तो आपको पता ही होगा, आसान प्रश्न है, 123, 124, 213, 137। तो हम जब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको पता है कि पार्ट 5th भाग 5, ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात, इसकी स्थापना की बात आर्टिकल 124 में की गई, ठीक है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य का बजट प्रस्ताव पारित किया जाता है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा न्यायिक पूर्वानिलोकन के दायरे में आती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, स्टेट बजट रिजोल्यूशन इज पास बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, और प्रोक्लेमेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे यह डिस्कस भी किया है।
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सबसे पहले बताइए, राष्ट्रपति शासन की बात हम किस अनुच्छेद में करते हैं? बताइए जल्दी से, मन में ही बताइए, लिखने को नहीं बोल रही हूँ। 356, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, सी आपका बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की हम बात करते हैं तो 356 आर्टिकल में दिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या समाधान समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता है, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किए जाने की तिथि से 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, परंतु यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं, ये भी याद रखिएगा, 2 मंथ के विदिन 2 मंथ उसको दोनों हाउसेस से पास हो जाना चाहिए। अगर पास हो जाती है तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो 6 माह तक बढ़ा दी जाती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ऐसी उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है और संसद के पुनः अनुमोदन से घोषणा की अवधि 6 माह बढ़ाई जा सकती है प्रेसिडेंट रूल की, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं देखती हूँ आप में से कौन स्टूडेंट उसका उत्तर बताएंगे, कि 6-6 महीने तक जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, अनुमोदन है, उसको हम बढ़ा सकते हैं हम, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन मैक्सिमम कितने समय तक प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लग सकता है, बताइए मैक्सिमम, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैक्सिमम की बात हम कर रहे हैं। ये आपको पता है ना कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात की गई तो 2 मंथ के भी अंदर ही उसे दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, अगर दोनों हाउसेस उसको पास कर देते हैं तो 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है, फिर अगर ये पास कर दी जाएंगी दोनों हाउसेस द्वारा तो फिर 6 मंथ के लिए लग जाएगा, फिर 6 मंथ के लिए, लेकिन 6 मंथ करते करते कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए ये लगाया जा सकता है, ठीक है, डैश वर्ष से अधिक तक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता है प्रेसिडेंट रूल, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति पहले गठित हुई थी? ये तो मैंने आप लोग से इतनी बार डिस्कस किया, है, बताओ कौन सी है, संथानम कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, या फिर पीके थंगन कमेटी है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी होगा, और अगर इनमें से सबसे आखिरी की बात करें तो वो कौन सी होगी, लास्ट वाला, पीके थंगन कमेटी, ठीक है, थंगन कमेटी याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी 1956, ठीक है, चलिए इसको बहुत सीरियसली इस प्रश्न को पढ़ेगा क्लास, प्रीलिम्स मेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है पंचायती राज व्यवस्था, तो एकदम से तैयारी बना के रखिएगा इस टॉपिक के लिए। अगला प्रश्न, सुर सरोहर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले में है, आगरा में है, बहराइच में है, हरदोई में है, या फिर पीलीभीत में है? सुर सरोहर की बात की गई है तो सुर सरोहर जो है मिले सुर मेरा तुम्हारा आगरा में, ए आपका सही उत्तर है, यहाँ पर देख लीजिए, सुर सरोहर उत्तर प्रदेश में आगरा में है, नवाबगंज उन्नाव में है, पटना कहाँ पर है, एटा में है, लाख बहोसी कन्नौज में है, बकीरा संत कबीर नगर में है, सुरहाताल बलिया में है, भीमराव अम्बेडकर प्रतापगढ़ में है, समसपुर रायबरेली में, सांडी हरदोई में है, समान मैनपुरी में है, विजय सागर महोबा में है, पार्वती अरंगा गोंडा में है, ओखला गाजियाबाद में है। ये भी रट डालना, परीक्षा में रिपीट होता रहता है, आरओ में नहीं तो पीसीएस में पूछेगा, पीसीएस में नहीं तो आरओ में पूछ लेगा, कहीं ना कहीं पूछते हैं। भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? When was the first population policy announced in India? बताइए 1960 में, 1960 में, 1976 में, 2000 में या 2004 में? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पे सही उत्तर बी है, 1976 में। 1976 में देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बड़ा प्रश्न है तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुखौटा नृत्य का प्रकार है जिसमें पौराणिक कहानियों का वर्णन करने के लिए शक्तिशाली युद्ध संबंधी संचालनों का प्रयोग किया जाता है? 2011 में यूनेस्को में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी इसे शामिल किया गया। तो गरबा है, कालबेलिया है,
दादरा है या फिर छऊ है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? छऊ है। डी डी सही उत्तर है। छऊ नृत्य की मेनली तीन शैलियां होती है। झारखंड में अगर हम देखेंगे तो सराय केला छऊ, उड़ीसा में मयूर भंज छऊ और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। यहां पर आप लोग देख लीजिए, लोक नृत्य दिया गया है, गरबा गुजरात में है, कालबेलिया राजस्थान में है, दादरा उत्तर प्रदेश, चारबा हिमाचल प्रदेश, रासलीला उत्तर प्रदेश, तरंग मेला गोवा, ठीक है, भांगड़ा जानते हैं, गिद्दा पंजाब। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्लास, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, होरी और धनिया मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? बताइए, होरी और धनिया गोदान के, गबन के, निर्मला के या फिर सेवा सदन के। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है, यहां पे गबन ही करिएगा, इन्वेजलमेंट मत करिएगा, ठीक है, सेवा सदन ही इसको रखिएगा। इंग्लिश में इसको पूरा ट्रांसलेट कर दिया है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यही पेंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जरूर बताइएगा टेस्ट आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, समय मिला है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ढिलाई मत बरतिए, एटलीस्ट रोज मॉक टेस्ट तो लगा लीजिए, भले स्पीड को बढ़ाकर सुनना पड़े लेकिन सुन लिया करिए, थोड़ा सा आपकी तैयारी होती रहेगी। बिल्कुल पढ़ाई से अपना छुटकारा मत पा जाइएगा, पढ़ते रहिएगा। तो धन्यवाद क्लास, इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आपका दिन मंगलमय हो, अपने प्रति वफादार रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।